हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। तेरी सैलरी होगी? हाँ जी, आइए। आज की वीडियो में आप लोगों को सी इंटर एडवांस काउंट की मई 24 अटेम्प्ट के लिए एमटीपी 2 कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? एमटीपी 2 एडवांस काउंट की अटेम्प्ट कौन सा है? मई 24। सर आरटीपी का क्या रहेगा? मैं आपको बता दूं, आरटीपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और आरटीपी के अंदर ना मैंने सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं, इंक्लूडिंग आपका केस सिनेरियो और एमसीक्यू। सर एमटीपी 1 का क्या रहेगा? मैं आपको बता दूं, एमटीपी 1 भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। एमटीपी 1 में मैंने केस सिनेरियो सारे कवर कराए हैं, सारे एमसीक्यू कवर कराए हैं और जो न्यू क्वेश्चन थे ना वो कवर कराए हैं। जो सर ओल्ड क्वेश्चन थे, ओल्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जिन क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी या तो आपका स्टडी मटेरियल बैच के थ्रू या सर अर्लियर अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी के थ्रू ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने कवर नहीं कराए। ठीक जी सर। एमटीपी 2 की अगर मैं बात करूं तो मैं इस एमटीपी में आपको सारे केस सिनेरियो कराऊंगा, एमसीक्यू कवर कराऊंगा और सर अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूँ ना, जितने भी इस एमटीपी में क्वेश्चन है सर वो सारे के सारे ओल्ड क्वेश्चन हैं और उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, या तो आपका स्टडी मटेरियल बैच के थ्रू या सर आपका अर्लियर अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी के थ्रू। ठीक जी सर, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं केस सिनेरियो 1 से। देखिए बेटा, एग्जाम में आपको केस सिनेरियो कैसे हैंडल करना, एक बार मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं रिपीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बात को सर आरटीपी में भी डिस्कस किया, एमटीपी 1 में भी डिस्कस किया, एक बार मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए सर, केस सिनेरियो के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। सेकंड सर हम लोग क्या करेंगे सर, जैसे ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, मतलब जो केस सिनेरियो के अंदर एमसीक्यू दे रखे उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक जी सर। सर जैसे हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे सर, रेलिवेंट कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करेंगे, उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, केस सिनेरियो पढ़ेंगे। ठीक। अगर केस सिनेरियो में सर आपका कैलकुलेशन पार्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। ठीक। चलिए, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसिज कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्लांट। मतलब आपका कहीं ना कहीं सर AS-10 की बात कर रहा है। हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड, सर आपका AS-16 की बात कर रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट सर AS-10 की बात कर रहा है। ठीक जी सर। आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज फॉर द ईयर एंड, सर आपका AS-10 की बात कर रहा है। ठीक जी सर। चलिए केस सिनेरियो पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखते हैं। एम लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज विच इज स्टार्टिंग ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट एक्स विलेज। ठीक जी सर। सर एम लिमिटेड ने क्या किया, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है सर, उसने ना न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सर मैन्युफैक्चर स्टार्ट, मतलब आपका एक्स विलेज में सर एक प्लांट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। ठीक जी सर। मतलब नया प्लांट लगा एक तरीके से ना। इट हैज कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2023 and has incurred following expenses. It has acquired land for installing plant for 50 lakh. Sir, ये amount आपका capitalize हो जाएगा। ठीक। क्योंकि अगर आपके case scenario में calculating part हम लोग क्या करेंगे सर, साथ साथ calculation करेंगे। ठीक। It incurred 35 lakh for material and direct labor cost for developing the plant. Sir, 35 lakh इसने क्या किया सर, amount incurred किया on आपका मेटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर पर। ठीक जी सर। कंपनी इनकर्ड ₹10 lakh फॉर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एट न्यू दिल्ली विच इंक्लूडेड रेंट, एम्प्लॉय कॉस्ट, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। सर ये आपके रूटीन के खर्चे हैं, इसे हम एज पर AS-10 कैपिटलाइज नहीं करते। द कंपनी बोरोड ₹25 lakh, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ प्लांट एट 12% पर एनम। ठीक। ऑन 1 अप्रैल 2023 सर कंपनी ने क्या किया है सर, प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए ना 25 लाख का लोन लिया। ठीक है। किस रेट से, 12% पर एनम के हिसाब से। ठीक जी सर। अब AS-16 के अकॉर्डिंग सर हम लोग बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या कंसीडर करते हैं सर, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट। जी सर। सर एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी। सर आपका एमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट सर, जो आपका अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के रिगार्ड में है, बोरोइंग के रिगार्ड में। सर फाइनेंस चार्ज इन केस अगर आपने असेट सर फाइनेंस लीज पे ले रखे हैं। फॉरन एक्सचेंज लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरन बोरिंग कॉस्ट। ठीक जी सर। अब यहाँ पे सर उसने क्या बोला है,
डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ द कंपनी, सर जो कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर है, इनकर ट्रेवल एंड मीटिंग एक्सपेंसिस अमाउंटिंग टू 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर अरेंजिंग दिस लोन। सर अब ये क्या एंसिलरी कॉस्ट है? सर इंस्टीट्यूट ने इसे एंसिलरी कॉस्ट नहीं माना, इंस्टीट्यूट ये मान के चल रहा है कि ये जो ट्रैवल एंड मीटिंग के खर्चे हैं ना सर, ये उसने इनकर किए हैं, लेकिन ये इससे रिलेटेड एंसिलरी कॉस्ट नहीं, ठीक। क्योंकि सर जैसे बोरोइंग से रिलेटेड एंसिलरी कॉस्ट क्या होती है आपका, ब्रोकरेज कमीशन, अगर ये उस तरह कॉस्ट होती ना, प्रोसेसिंग फी, तो हम लोग सर ओवर द पीरियड एमोटाइज करते हैं। देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया जी सर, डिस्काउंट और प्रीमियम रिडेम्पशन है नहीं यहाँ पे। सर आपका एंसिलरी कॉस्ट में सर आपका आता है जैसे ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, प्रोसेसिंग फी होगी, ठीक है, तो उस तरह खर्चा नहीं दे रखा, तो सर इसे बोरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं माना, ठीक। चलिए ऑन 1st November 2023 द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ द प्लांट वर इंटरप्टेड एज द टोटल सॉरी एज द लोकल पीपल अलोंग विद एक्टिविस्ट हैव रेज्ड इशू रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ प्लांट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सर जो प्लांट का कंस्ट्रक्शन था ना सर, वो इंटरप्ट हो गया है क्योंकि लोगों ने सर वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह कर दी एनवायरमेंटल इंपैक्ट को लेकर, ठीक जी सर। एज पर AS 16 सर, अगर मान लो एक्टिव आपका डेवलपमेंट इंटरप्टेड होती है, ठीक, एक्टिव डेवलपमेंट क्या होती है सर आपकी, इंटरप्टेड होती है, ठीक जी सर, ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, तो हम लोग क्या करते हैं सर, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन सस्पेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर ये आपका एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हुई है और ये सर आपका एबनॉर्मल रीजन है, नॉर्मल रीजन का मतलब होता है जिसका आपको पहले से पता होता है, ठीक जी सर। ड्यू टू एजिटेशन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी केम टू स्टैंड स्टिल फॉर 3 मंथ, ठीक है, 3 महीने के लिए सर काम नहीं हो पाया। With the help of the government and NGO, the agitation was over by February 28, 2024 and the work resumed. ठीक सर आपका ना 28 February को काम जाकर रिज्यूम हुआ, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने सर यहाँ पे लिख दिया उसने और आगे बता दिया February, सर 4 महीने तक काम नहीं हो पाया, तो हम लोग क्या करेंगे सर 8 मंथ के लिए करंट ईयर में बोरिंग कोर्स कैपिटलाइज करेंगे। अभी मैं 8 मंथ नहीं लिख रहा बल्कि ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होता है वो देखेंगे एक बार। However, to balance the impact of the environmental government order, the company to install certain device for which the company had to incur 6 lakh in March. अच्छा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा सर, कंपनी को ना कुछ डिवाइस लगाने पड़ेंगे सर जिसकी कॉस्ट 6 लाख है, तो सर ये कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सर, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना सर, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितने मंथ की होगी सर आपकी, 8 मंथ की, क्योंकि 4 मंथ के लिए सर आपका एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड है। सर प्लांट अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका ना, कहीं पर मैंने लिखा सुने प्लांट कंप्लीट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे सर फॉर द ईयर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं, ठीक जी सर। प्लांट अपना कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए हम क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है जी सर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 10%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से इस एमसीक्यू का ना, क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं सर, इसको देखते भावुक हो जाते हैं, जो भी कॉस्ट आएगा उस डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, सर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, ठीक जी सर। बोरिंग कॉस्ट कितने से आएगी सर, 25 लाख 12% 8 मंथ जो कैपिटलाइज होगी, ठीक है। बाकी बोरिंग कॉस्ट सर आपका जो 4 मंथ की बोरिंग कॉस्ट है सर, वो आपका पीएनएल अकाउंट में चार्ज हो जाएगी, ठीक है जी सर। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू, तो सर अगर एक बार ना आप पहले एमसीक्यू पढ़ के क्वेश्चन पढ़ते ना, एमसीक्यू सर धड़ल्ले से खत्म होते। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसिस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्लांट, सर कॉस्ट ऑफ लैंड आएगा, बिल्कुल आएगा सर। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट बिल्कुल आएगा सर। हेड ऑफिस एक्सपेंसिस सर नहीं आएगा। बोरिंग कॉस्ट सर आएगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज विद द प्लांट सर, 2 लाख भी आ गया, ठीक जी सर। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट सर एज ऑन 31 मार्च सर 93 लाख। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड फॉर द ईयर एंडेड सर 10% ऑफ दिस, नो, क्योंकि आपका प्लांट कंप्लीट नहीं हुआ सर, नील डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक। चलिए खत्म एमसीक्यू, हाँ जी आइए सर आपका केस सिनेरियो 2। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 3 द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 1.5 करोड़ अर्न ऑन जो उसमें लिख दिया सर उसने ना दो बार लोन गिवन बाय द कंपनी। देखिए सर जनरली हम क्या करते हैं सर, उसे ना अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सर इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी, तो हमें पता लग गया सर कि उसने इंटरेस्ट इनकम के बारे में पूछा, ठीक जी सर। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 3 द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 20 लाख अर्न फिक्स डिपॉजिट सर, करेंगे चर्चा। इन केस कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 3 अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गोल्ड लोन यूनिट, करेंगे चर्चा। इन केस सर कैश लोन स्टेटमेंट सॉरी इन केस कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 3 टोटल इनकम टैक्स ऑफ 75 लाख पेड फॉर द ईयर सर, जनरली इनकम टैक्स तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है चाहे नेचर ऑफ द एंटिटी सर कुछ भी क्यों ना हो, ठीक जी सर। हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर सर इनकम टैक्स का खर्चा किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, जैसे आपका
इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, तो सर आपका इनकम टैक्स भी सर अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी, ठीक। हाँ, अगर इनकम टैक्स का खर्चा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे सर, या फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक जी सर। चलिए, हो सकता है सर यहाँ पे ये जो खर्चा हो ये किसी और एक्टिविटी का हो, तो अभी मैं आंसर नहीं दूंगा। इन एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिलेशन टू इंटरेस्ट फ्री लोन 15 करोड़ प्रोवाइडेड बाई द कंपनी टू होली ओन सब्सिडी, सर होली ओन सब्सिडी का डिस्क्लोजर तो सर AS 18 में अप्लाई होता है, ठीक है जी सर। चलिए, क्योंकि रिलेटेड पार्टी बन जाती है ना वो। आइए, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम ना केस सिनेरियो पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है, BFL इज ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज विच इज इन द बिजनेस ऑफ लैंडिंग लोन टू स्मॉल बिजनेस एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन लोन। सर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, इसका मतलब सर इसका काम लोन देना और लोन लेना है, तो सर जो लोन देना और लोन लेने से रिलेटेड एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज लैंड 50 करोड़ एंड अर्न 1.5 करोड़ एज इंटरेस्ट ऑन लोन, तो सर ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगा, ठीक जी सर। द कंपनी हैड सरप्लस फंड ड्यूरिंग द ईयर एंड इन्वेस्टेड देन इन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सर उसने क्या किया FD की, और FD के ऊपर सर इंटरेस्ट अर्न किया 20 लाख, ठीक है, जो उसके पास सरप्लस फंड था। द कंपनी ऑल्सो एक्वायर्ड ए गोल्ड लोन यूनिट फॉर 10 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर एंड द कंपनी प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 15 करोड़ टू इट्स होली ओन सब्सिडरी, ठीक है। कंपनी ने सर टोटल इनकम टैक्स 75 लाख पे किया, ठीक। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर आपका AS 3 द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 1.5 करोड़ अर्न ऑन द लोन गिवन बाई द कंपनी, सर आपका फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो सर आपका इंटरेस्ट इनकम सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 3 द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 20 लाख FD के ऊपर जो इंटरेस्ट आया आपका सर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक जी सर। इन केस कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 3 अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गोल्ड लोन यूनिट, सर अगर हम गोल्ड लोन यूनिट एक्वायर कर रहे हैं तो सर इसका मतलब सर ये अपने लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक जी सर। तो सर क्या बन जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 3 टोटल इनकम टैक्स सर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इज एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, बिल्कुल सर आपका AS 18 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर आएगा। लो जी खत्म, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड रिक्वायरमेंट देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम इक्विटी कुमार लिमिटेड नीड टू मेंटेन आफ्टर बाईबैक अकॉर्डिंग टू डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है सर। तो डेट डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बाईबैक ऑफ इक्विटी फॉर कुमार लिमिटेड, ठीक है। मैक्सिमम परमिटेड सर बाईबैक ऑफ इक्विटी बताना, मतलब अमाउंट ऑफ बाईबैक एक तरीके से, ठीक है जी सर। हाउ मेनी शेयर ऑफ कुमार लिमिटेड कैन बी बोट बैक एट ₹30 पर शेयर अकॉर्डिंग टू द डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। शॉर्टकट लगा देंगे सर, शॉर्टकट सर क्या है बेटा, देखिए आपको बताऊं मैं बाईबैक के चैप्टर में ना मैंने एक शॉर्टकट करा रखा है, और वो शॉर्टकट मैंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है सॉल्यूशन में डालने के लिए ना, क्योंकि सर सॉल्यूशन में ना आपके प्रोसेस के नंबर होते हैं, ठीक। लेकिन हाँ, आप क्रॉस टैली करने के लिए सर उस शॉर्टकट को रेफर कर सकते हैं, यहाँ सर MCQ में हम शॉर्टकट ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं शॉर्टकट आपको लिखवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुमार लिमिटेड ए प्राइवेटली हेल्ड कंपनी ऑपरेट इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। फाउंडेड इन 2008 द कंपनी हैज स्टेडिली ग्रोन इट्स ऑपरेशन एंड एस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मार्केट, ठीक है। एज ऑफ 31 मार्च 2023 द कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट ए ब्लेंड ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ओवरव्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपके 30 लाख आगे, ₹10 का एक शेयर है फुली पेड अप। रिजर्व एंड सरप्लस में सर कुमार लिमिटेड हैज एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस टोटलिंग 49 लाख है, कंप्राइजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, पीएनएल अकाउंट आ गया, रिवेल्यूशन रिजर्व सर इज नॉट ए फ्री रिजर्व, ठीक है जी सर। इसे हम बायबैक के लिए यूज नहीं करते। लोन फंड सर आपका 42 लाख आ गया, ठीक। बायबैक डिसीजन सर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आइए पढ़ते हैं। कंसिडरिंग इट्स फाइनेंशियल पोजिशन एंड मार्केट कंडीशन, सर फाइनेंशियल पोजिशन को कंसिडर करते और मार्केट कंडीशन को कंसिडर करते हुए कुमार लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू इनिशिएट, सर कुमार लिमिटेड ने क्या किया, इनिशिएट लिया ए शेयर बायबैक प्रोग्राम, शेयर को बायबैक करने का, ठीक जी सर। द कंपनी इंटेंड टू रीपर्चेज ऑल इट शेयर एट प्राइस ऑफ 30 पर शेयर, मतलब ये कह रहा है बायबैक प्राइस सर आपका 30 रहेगा, ठीक। इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड इंटरनल पॉलिसी कुमार लिमिटेड एम टू एसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इट कैन रीपर्चेज वाइल मेंटेनिंग ए प्रूडेंट डेट इक्विटी रेशियो, सर इस क्वेश्चन में ना फोकस किसके ऊपर किया गया, डेट इक्विटी रेशियो के ऊपर ना। देखिए क्या लिखता है, इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड इंटरनल पॉलिसी कुमार लिमिटेड एम टू असेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इट कैन रीपर्चेज वाइल मेंटेनिंग ए प्रूडेंट डेट इक्विटी रेशियो,
By utilizing the debt equity ratio test, the company seeks to strike a balance between its equity base and debt obligation. Based on the above information, sir, इस information के base पे कह रहा हूँ ना. Answer the following question: What is the maximum equity Kumar Limited need to maintain after buyback, according to debt equity ratio test? Sir, अपना loan fund 42 lakh है. Equity should be sir आपका 21 lakh. ठीक जी सर. देखिए, sir जो आपका debt equity ratio का test होता है ना, post buyback होता है. हम लोग क्या करें सर? करंट लोन जो है, अगर हमने कोई सर यहाँ पे और लोन रेज किया होता बाई बैक करने के लिए तो हम उसको भी कंसीडर कर लेते हैं. यहाँ पे सर ऐसा कुछ कर नहीं रखा तो यही लोन आ जाएगा पोस्ट बाई बैक और इक्विटी शुड भी सर आपका 21 लाख. ठीक जी सर. व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बाई बैक ऑफ इक्विटी फॉर कुमार लिमिटेड? बट मैं एक बार ना इस क्वेश्चन को अपने तरीके से एक बार सोल्व कराता हूँ कंप्लीटली. ठीक जी सर. फिर मैं आपको बताऊंगा सर इसका आंसर क्या बनेगा. ठीक है जी सर. देखिए सबसे पहले सर क्या आएगा, 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 3 लाख है, 70 मतलब 3 लाख आ जाएगा 75,000. सेकंड क्या आएगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर फंड 30 लाख प्लस 32 लाख 50,000 प्लस 6 लाख प्लस 430 70 to 80 72,80,000 25% बाई बैक प्राइस सर कितने से था, 30 से. सर ये आ गया आपका 60667. थर्ड सर आएगा आपका, मैं फॉर्मूला लिखवा दूं शॉर्टकट का. हाँ जी सर. पोस्ट बाई बैक डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1. तो सर इसका फॉर्मूला है, करंट इक्विटी जब शेयर आप फ्रेश इशू नहीं करेंगे ना तो सर तब ये फॉर्मूला फिट बैठ पाएगा. मतलब वो इक्वेशन वगैरह बनाने की नीड नहीं आपको, बट एज ये जो फॉर्मूला सर इसको आप सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए फॉलो करेंगे. ठीक है. माइनस आएगा सर पोस्ट बाईबैक इक्विटी शुड बी डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस आपका आएगा बायबैक प्राइस. करंट इक्विटी कितने से सर, 72,80,000 से. माइनस क्या आएगा सर, पोस्ट बायबैक इक्विटी शुड बी 21 लाख 10 प्लस 30 कितना अमाउंट आ गया, एक सेकंड. सर ये नंबर ऑफ शेयर आगे 129,500. अब वो ये कह रहा सर मैक्सिमम इक्विटी आपकी कितनी होगी. ठीक है परमिटेड. अब यहाँ पे देखेंगे तो सर लोअर जो भी इसमें से नंबर ऑफ शेयर आएंगे 60667 इसके साथ सर हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम इक्विटी परमिटेड निकालनी चाहिए. ठीक जी सर. लेकिन सर इस क्वेश्चन में ना सिर्फ और सिर्फ वो डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहा है और उसी के बेस पे सर उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मांगी है. तो हम लोग क्या करेंगे सर, 129,500 ठीक इंटू 30 के हिसाब से बाई बैक करेंगे तो सर इसका आंसर आ जाएगा 38,85,000. प्लीज ध्यान देना इस बात का. ठीक जी सर. चलिए, हाउ मेनी शेयर ऑफ कुमार लिमिटेड कैन बी बोट बैक एट 30 पर शेयर अकॉर्डिंग टू डेट इक्विटी रेशियो सर, 129,500. ठीक जी सर. चले आगे. हाँ जी, क्वेश्चन 4, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है. साहिल एग्री टू सेल इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन असम टू काली लिमिटेड ऑन 4 December 2023. ठीक, इट एंटर्ड इनटू अ सेल डीड ट्रांसफरिंग ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप ऑन 1 February. देखिए क्या होता था, कोई भी ऐसा इवेंट सर जो बैलेंसिंग डेट के बाद होता है अप्रूवल डेट से पहले होता है वो या तो एडजस्टेबल इवेंट होगा या नॉन एडजस्टेबल इवेंट होगा एज पर AS4. ठीक जी सर. सर एमसीक्यू के क्वेश्चन आप डायरेक्ट करेंगे, उसमें रिक्वायरमेंट पढ़ने की नीड नहीं है. ठीक है, क्योंकि सर छोटा क्वेश्चन होता है वो ना. देखिए सर AS4 ये कहता है कि जो भी इवेंट आपका बैलेंसिंग डेट के बाद हुआ और अप्रूव डेट से पहले हुआ है
अगर वो सर इवेंट ऐसा जिसके अगेंस्ट कंडीशन या कंटिजेंसी बैलेंसिंग डेट एग्जिस्ट करती थी, तो सर आपको एडिशनल एविडेंस मिले, आप उसे एडजस्टेबल इवेंट मानेंगे, और अगर कंडीशन या कंटिजेंसी सर बैलेंसिंग डेट पर एग्जिस्ट नहीं करती तो नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, हम उसे सर क्या करेंगे अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक जी सर। बट द ट्रांजेक्शन वॉज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रा 30 मई। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, रिस्क एंड रिवार्ड सब ट्रांसफर हो चुका है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बची हुई है, मतलब बैलेंसिंग डेट से पहले सर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुका है, तो ये एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। ठीक जी सर। When should the sale and gain be recognized? Both sale and gain should be recognized as on the balance sheet date. बिल्कुल सर, क्योंकि कंडीशन एंड कंटिजेंसी एग्जिस्ट करती थी और बाद में सर आपको एडिशनल एविडेंस मिल गया। ठीक। Both sale and gain should be recognized on 30th मई। नो। The sale should be recognized as on the balance sheet date, but gain should be recognized? नो। क्योंकि सर जब हम सेल रिकॉर्ड करेंगे तभी गेन रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक। Both sale and gain should be recognized on 4th दिसंबर। नो। तो ऑप्शन ए आ गया। ठीक। वर्थम एंड एसोसिएट इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील रोड। ठीक है। इट इन्वेस्ट इट्स प्रॉफिट बाई परचेजिंग शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी इन ऑर्डर टू अर्न डिविडेंड इनकम। ठीक है। इट हैड परचेज शेयर ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। ठीक है। हाउएवर इट सोल्ड ऑल द शेयर ऑफ भारती लिमिटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। सर आपने शेयर करंट ईयर में बेचे हैं। ठीक है। वट अमाउंट वुड बी डिस्क्लोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। सर देखिए, जब आप शेयर बेचेंगे ना, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा आपको सेल के ऊपर ना सर, वो उस शेयर में रिकॉर्ड करेंगे जिस शेयर में आपने सर उनको बेचा। ठीक जी सर। दिस ट्रांजेक्शन वुड नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसी बातें कर रहे हैं, एज पर एएस 13 अगर हम इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो डिफरेंस सर कहां पे आता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। ठीक जी सर। द कैरिंग अमाउंट नेट ऑफ एक्सपेंसिज वुड बी डिस्क्लोज। नो। द डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट ऑफ एक्सपेंसिज। नो। सर हमें क्या करना पड़ेगा सर, डिस्पोजल जो प्रोसीड्स है और नेट ऑफ एक्सपेंसेस और सर जो अपनी कॉस्ट थी उसका डिफरेंस पी एन एल अकाउंट के अंदर एज ए गेन और लॉस लेके जाना पड़ेगा। ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट ऑफ एक्सपेंसेस वुड बी डिस्क्लोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, डी आ जाएगा। चलिए, एज पर एएस डिफरेंस बिटवीन द ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट अंडर फाइनेंस लीज एंड अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू अक्रूइंग टू द लेसर इज रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होती है इन दोनों का डिफरेंस, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए बेटा, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ, इस बार एग्जाम फोड़ के आएंगे।